विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, प्रकरण 2 न्याय मंत्री। इसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 इसी सन में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, ये नगीना आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। न्याय मंत्री इस कहानी में सम्राट अशोक के वे न्याय मंत्री खोजने का प्रयास था। वो सच्चे न्याय मंत्री को खोजना चाहते थे। सम्राट अशोक की शिशुपाल के साथ मुलाकात होती है। इस मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखने के बाद उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है। न्याय करने वाला व्यक्ति सबके लिए समान रूप में न्याय करता है। न्याय सबके लिए एक सा होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, न्याय सबके लिए समान होता है। ये जो कहानी है ये हमारे न्याय तंत्र पर विश्वास रखने की सीख हमें देता है। यहां पर एक प्रयास किया गया है कि न्याय तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरक कहानी है और इसके द्वारा न्याय तंत्र की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेवारी को इसका महत्व समझाया गया है। अब कहानी देखिए, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। संध्या का समय है, सांसनों समय से चारों बाजू अंधकार फैलाए लोग से। एवं समय कोई भारतीय घर में दरवाजों खटखटा। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। यह घर ब्राह्मण शिशुपाल का था। अगर एक ब्राह्मण जन्म नाम शिशुपाल से एनो हो तो घर में की आवाज करे से कौन से? धीमे रे दरवाजों खोली, अरे बाहर जुए छे। उत्तर मिलता है, एक परदेशी। बाहर से आवाज आती है एक परदेशी हूं, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? कहते हैं कि मुझे एक रात काटना है यहाँ पर, एक रात रुकना है, क्या आपके यहाँ मुझे रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी? परदेशी विरोधार्थी का है स्वदेशी। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे
શિશુપાલે જેવો દરવાજો ખોલ્યો સામે એક નવયુવક ઉભો હતો। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल कहते हैं, जब उसने देखा कि अपने दरवाजा खोलने के बाद के सामने एक नवयुवक खड़ा है, एक अतिथि खड़ा है, तो तैरते कीजो के आओ, तुम्हारा आगमन से मारो घर पवित्र जैसे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव की हमारी समाज में जो भावना है, मेहमान को भगवान का रूप किया जाता है। अतिथि मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते थे। अतिथि यानी कि मेहमान। मेहमान दोस्तों हिंदी में मेहमान लिखते हैं और गुजराती में मेहमान लिखते हैं। यहां पर म के ऊपर मात्रा आती है, यहां पर ह के ऊपर मात्रा आती है, तो ये फर्क है मेहमान और मेहमान। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए, उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार किया, उसका सम्मान किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था माने दशा, अवस्था यानी कि दशा। वर्तमान समय में देश में क्या परिस्थितियां, देश की क्या स्थिति है, इसके बारे में शिशुपाल और अतिथि बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय, आज बहुत अन्याय चल रहा हो, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। जब शिशुपाल ने कहा कि आज अन्याय हो रहा है देश में, तो शिशुपाल इस बात का खंडन करते हुए परदेसी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता हूं। वह बोला, दोष निकालना सुगम है, सुगम माने सरल, सुगम माने सरल। किसी का दोष निकालना एक सरल बात है, परंतु कुछ करके दिखाना बड़ा कठिन है। कुछ करके दिखाना, किसी का दोष निकालना एकदम सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना बड़ा कठिन कार्य है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। जब उस परदेसी ने कहा कि किसी का दोष निकालना सरल बात है, लेकिन काम करके दिखाना बड़ा कठिन होता है, तो तुरंत इस बात का उत्तर देते हो शिशुपाल उस परदेसी को समझाते हैं कि किसी का दोष निकालना आप कहते हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। इसकी बात सुनकर वह परदेसी कहता है, तो क्या आप अवसर चाहते हैं, आप अवसर चाहते हैं सर, तो आपको न्याय करने का मौका मिले। हाँ, शिशुपाल ने कहा तुरंत, हाँ मैं अवसर चाहता हूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। परदेसी पूछता है कि फिर कोई अन्याय नहीं करेंगे आपके न्याय मंत्री बनने के बाद। शिशुपाल ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से ना बच पाएगा। अगर किसी ने अन्याय किया तो
तो उसे दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा, उसे बच नहीं पाएगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। उस परदेशी ने मुस्कुराकर कहता है कि आप कहते हैं कि नहीं कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इस बात का उत्तर देते हैं शिशुपाल, कहते हैं ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। कहता है कि न्याय को मैं प्रसिद्ध कर दूंगा। डंका बजाना यहां पर मुहावरा है, डंका बजाना। डंका बजाना सुप्रसिद्ध होना, मैं बता दूंगी न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर बाद दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह में शिशुपाल से उस परदेसी ने विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। थोड़ा दिवस पछी शिशुपाल ने घरे सिपाही आवे छे अने शिशुपाल ने कहे कि चलो तमने महाराजाए बोलाव्या छे। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल सहम गए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मुझे क्यों बुलाते हैं। वे समझ नहीं पा सके कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया, महाराजा ने उसे क्यों बुलाया, वो समझ नहीं पा रहे थे। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर। सोचने लगते हैं शिशुपाल कि उस दिन वो परदेसी आया था, जो मेहमान आया था, शायद उसने सच्ची झूठी उसकी शिकायत राजा से तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। जैसे ही शिशुपाल दरबार में प्रवेश किया उसका दिल धड़कने लगा, चिंतित हो गए। वो दिल धड़कना मुहावरा, चिंतित हो जाना। कलेजा धड़कना, चिंतित हो जाना। जब लगा कि वहां परदेसी अशोक है, परदेसी जो बैठा है वहां पर महाराज के रूप में, वो परदेसी है जो परदेसी बनकर आए थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? उस दिन जो बातें हुई थी, शिशुपाल ने कहा था मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। आज वही परदेसी जब महाराज के रूप में सामने बैठे तो सम्राट अशोक ने उनसे कहा कि क्या आप न्याय करने के लिए तैयार हैं, इस अवसर को पाने के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। शिशुपाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अभी अगर सम्राट मुझे इस बात के लिए उचित समझते हैं तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, मतलब बहुत अच्छा, खूब सरस। मैं कल से आप न्याय मंत्री हैं, अजय कि कल से आप इस राज्य के न्याय मंत्री हैं। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उठाकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। जब शिशुपाल ने कहा अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, जब शिशुपाल ने इसका उत्तर दिया तो सम्राट अशोक कहते हैं कि खूब सरस, अने पोताना हाथमांथी अंगूठी काढ़ी अने शिशुपाल ने आपे छे। एक अंगूठी ए राजमुद्रा थी। राजमुद्रा मतलब एक पहचान, एक ओळख या राज्यना मंत्री छे। तो इस प्रकार से उन्होंने शिशुपाल को अपनी
अंगूठी दी, राज मुद्रा दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। राज्य में उन्होंने सुमुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। आरंभ इसका ऑपोजिट अर्थात विरोधार्थ होगा अंत। मित्रों यहां पर हम लोग पढ़े कि किस प्रकार से सम्राट अशोक एक अतिथि का रूप लेकर शिशुपाल के घर पर जाते हैं और वहां पर उनसे बातचीत होती है। शिशुपाल न्याय मंत्री अर्थात सच्चा न्याय करने की खोज में थे। सम्राट अशोक भी एक अच्छे न्याय मंत्री ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर मौका देखकर उन्होंने शिशुपाल को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। जय हिंद।